दोस्तों, आखिरकार अप्रैल महीने के बाद मई आ ही गई और साथ ही आ गया है समर वेकेशन का टाइम। मतलब अब आपके पास समय ही समय होगा इस महीने आने वाली फिल्म्स और वेब सीरीज को देखने का। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन फिल्म्स और वेब सीरीज के बारे में जिन्हें आप इस महीने देख सकते हैं। इसलिए बिना स्किप किए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आज के इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह बनाई है कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने। भूल भुलैया 2 एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म जो अनीस बज़मी द्वारा निर्देशित और भूषण कुमार द्वारा निर्मित है। यह साल 2007 में अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूल भुलैया का एक स्टैंड अलोन सीक्वल है। भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू हैं। ये फिल्म 20 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। आज की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जगह बनाई है अनिल कपूर की फिल्म थार ने। थार में आपको अनिल कपूर के साथ उनके बेटे हर्षवर्धन कपूर भी देखने को मिलेंगे। थार एक अपकमिंग नियो वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे राज सिंह चौधरी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। अनिल और हर्षवर्धन कपूर ने प्रोड्यूस किया है। 80 के दशक में सेट थार इंस्पायर्ड है वेस्टर्न नोयर स्टाइल से और एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देने वाली है जो नौकरी की तलाश में और अपने अतीत का बदला लेने के लिए एक बड़े शहर में जाता है। इसमें हर्षवर्धन कपूर, अनिल कपूर और फातिमा सना शेख मेन रोल में हैं। फिल्म 6 मई 2022 को नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन रिलीज होगी। आज की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह बनाई है रणवीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार ने। जयेश भाई जोरदार एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे दिव्यांग ठक्कर द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह एक पारंपरिक गुजराती सरपंच के बेटे के रूप में नजर आने वाले हैं जो समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समान अधिकारों में विश्वास करते हैं। इसमें शालिनी पांडे भी हैं जबकि बोमन ईरानी और रत्ना पाठक शाह सहायक भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। यह फिल्म 13 मई 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। आज की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जगह बनाई है रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने। यह एक अपकमिंग बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जो आशिमा छिब्बर द्वारा निर्देशित है। फिल्म का निर्माण मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी, निखिल आडवाणी द्वारा एमए एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियोज के बैनर तले किया जा रहा है। रानी मुखर्जी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। फिल्म 20 मई 2022 को रिलीज होने वाली है। आज की इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर जगह बनाई है फिल्म मेरे देश की धरती ने। मेरे देश की धरती एक ड्रामा फिल्म है जो फराज हैदर द्वारा निर्देशित और वैशाली सरवनकर द्वारा कार्निवल मोशन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित है। फिल्म में दिव्येंदु शर्मा, अनंत विधात और अनुप्रिया गोयंका के कलाकारों की टुकड़ी है और यह दो इंजीनियरों और जीवन में उनकी परिवर्तनकारी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म भारत के गांवों में किसानों की कठोर वास्तविकताओं को भी चित्रित करती है। यह 6 मई 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज होने के लिए निर्धारित है। आज के इस लिस्ट में छठे नंबर पर जगह बनाई है फिल्म रॉकेट गैंग ने। रॉकेट गैंग एक अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन कोरियोग्राफर बास्को मार्टिस ने किया है। इसमें आदित्य सील और निकिता दत्ता हैं। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज ने किया है। रॉकेट गैंग 6 मई 2022 को रिलीज होने के लिए तैयार है। आज के इस लिस्ट में सातवें नंबर पर जगह बनाई है फिल्म आंख मिचौली ने। जितेंद्र परमार द्वारा लिखित सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया प्रोजेक्ट की यह फिल्म मिसफिट्स के परिवार के इर्द गिर्द बनाई गई है और टैगलाइन द मोस्ट आइकॉनिक वेडिंग ऑफ द ईयर को सपोर्ट करती है। फिल्म के कलाकारों में अभिमन्यु, मृणाल ठाकुर, शर्मन और परेश रावल शामिल हैं। आंख मिचौली का संगीत सचिन जिगर द्वारा रचित है। उमेश शुक्ला ने इससे पहले महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता ओ माई गॉड और अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर स्टारर 102 नॉट आउट का निर्देशन किया है। यह फिल्म 13 मई को रिलीज के लिए तैयार है। आज की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर जगह बनाई है फिल्म धाकड़ ने। धाकड़ एक अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो रजनीश घई द्वारा निर्देशित और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट, सोहेल मकलई प्रोडक्शंस और असाइलम फिल्म्स के बैनर तले दीपक मुकुट और सोहेल मकलई द्वारा निर्मित है। फिल्म में कंगना रनौत, अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता हैं। यह फिल्म 20 मई 2022 को जी स्टूडियो पर रिलीज की जाएगी। आज की इस लिस्ट में नौवे नंबर पर जगह बनाई है फिल्म मेजर ने। फिल्म मेजर शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित और सोनी पिक्चर्स इंडिया, जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और ए प्लस एस मूवीज द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय जीवनी पर आधारित एक्शन फिल्म है। तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ शूट की गई और बाद में मलयालम में डब की गई है। यह शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है जो 2008 के मुंबई हमलों में मारे गए एक सैन्य अधिकारी थे। यह फिल्म अब 27 मई 2022 को रिलीज होने वाली है। आज के इस लिस्ट में दसवें नंबर
नंबर पर जगह बनाई है एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक कपूर की वेब सीरीज ओम शांति ने। ओम शांति एक हॉटस्टार वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में सुप्रिया पाठक कपूर, मनोज पाहवा, चकोरी द्विवेदी, पूजन छाबड़ा, समीर सक्सेना, निधि बिष्ट मेन रोल में नजर आने वाले हैं। ओम शांति 6 मई 2022 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने को तैयार है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी फिल्म का इंतजार है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही फिल्म्स और वेब सीरीज से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।